जो खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के कुंभ स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तीर्थ नगरी प्रयाग का मेला अपने पूरे रंग में चढ़ चुका है। दुनिया भर के लोग इस मेले में आ रहे साधना आराधना पूरी की चाह में। रोजाना लाखों लोग संगम में डुबकियां लगा रहे हैं। पहला साहिल स्नान तो हो गया, दूसरे की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है कि 1.5 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर स्नान करने को यहां आएंगे, लेकिन यहां कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए श्रद्धालुओं को देनी पड़ेंगी परीक्षाएं। जी हां, प्रशासन करवाएगी 84 कोस की यात्रा। देखें ये खास रिपोर्ट। कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते ही तीर्थयात्रियों को अब की भूल भलैया से होकर गुजरना पड़ेगा। बिना इसे पार किए संगम पर पहुंचना मुश्किल होगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने इसे बनवाया है। लगभग 70,000 बल्लियों की मदद से बनवाए गए इस मकड़ जाल में 200 मीटर की दूरी को पूरा करने में श्रद्धालुओं को 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ऐसे ही एक भूल भुलैया अक्षयवट में प्रवेश करने के लिए बनाया गया है। वहाँ भी जाने वाले लोग कई बार इतना घुमाव देख कर अंदर जाने की इच्छा त्याग देते हैं, बाहर से ही अक्षयवट को नमन करके आगे बढ़ जाते हैं। बताते चलें कि इस चक्रव्यूह का निर्माण हर बार मेले में किया जाता है। आला अफसरों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने में ये अभी तक सबसे कारगर साबित हुआ है। बीच की लाइनों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा ताकि किसी तरह की परेशानी होने पर उससे निपटा जा सके। प्रशासन भले ही इसे भीड़ नियंत्रण के रूप में कारगर होने का दंभ भरता हो, पर एक सच यह भी है कि बुजुर्ग व्यक्तियों महिलाओं को इससे परेशानी के अलावा कुछ नहीं होता। कई बार तो महिलाओं को पुलिस के सामने इसको लेकर रोते भी देखा गया है।